अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू अली मुनव्वर, आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे वो तमाम मेहरबान व्यूअर जो कि हमारी वीडियोस खास तौर पर स्पेशली डिजर्ट की, थर की, सहराए थर की, वो उन्होंने बहुत पसंद की और मुझे मालूम है कि वो ज़्यादातर उसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं मीरपुर खास में रहता हूँ और मीरपुर खास के गली मोहल्ले, मीरपुर खास से के शॉपिंग सेंटर, बहुत सारी चीज़ें मीरपुर खास की हमने आपको दिखाई, लेकिन बहुत से नए व्यूवर्स इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते। तो ये एक हमारा शहर जो कि ज़िला है मीरपुर खास, कभी थरपारकर ज़िला हुआ करता था, मीरपुर खास उसका कैपिटल था, अब थरपारकर के तीन हिस्से हो चुके हैं, उमरकोट, मिट्टी और मीरपुर खास। तो आज की वीडियो में मैं आपसे थोड़ी सी माजरत करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि हमारे चैनल पर उस तरह का कंटेंट, खास तौर पर रेगिस्तान और वहाँ के लोगों की जो रहन सहन है, वहाँ की ज़िंदगी है, उसको बहुत पसंद किया जा रहा है, तो अनकरीब इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। लेकिन एक बहुत खूबसूरत सिलसिला जो कि वैसे ही हमारे साथ चल रहा था, अल्लाह ताला के कुछ नेक बंदे साथ थे उनकी वजह से, लेकिन रमज़ान में उस सिलसिले में हमें ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचना है, तो ये वजह है कि मैं यहाँ मुस्तकिल अभी रमज़ान में मेरे को खास में मौजूद हूँ। तो आपसे गुजारिश होगी कि आप हमारा जो वो कंटेंट देख रहे हैं, ये कंटेंट भी देखते हैं। इस कंटेंट को देखने में दो फायदे, एक तो फ़ायदा आप डायरेक्टली मदद कर पाएंगे, हमारी वीडियोस देखकर व्यूज़ आने की सूरत में जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें यकीनन इन सब लोगों का भी हिस्सा है जो ज़रूरतमंद लोगों तक हम पहुँचते हैं, तो उनकी सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये कि हमारे वो तमाम मेहरबान लोग जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो इस सिलसिले से जुड़ते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, उनकी बहुत सारी दुआएँ, वो गाहे बगाहे मुझसे जिक्र करते रहते हैं कि यार आपके चैनल को और ज़्यादा ग्रो होना चाहिए, तो सर उनकी ख्वाहिश भी पूरी होगी, बल्कि वो खुश होते हैं। उनमें से बहुत से लोगों के मुझसे रबते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि फाइनली आखिर हमारा चैनल ग्रो करने की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ मौजूद हूँ मीरपुर खास में, ये है फिरदौस ऑप्टिकल, बच्चे का फ्रेम लेना है, चश्मे लगे हुए दोनों बच्चों को, तो कौन से निकालें बेटा, आपको कौन सा पसंद है? ये नहीं, फ्रेम थोड़ा इससे दूसरा अलग तरह का दिखा। अच्छा, वो अवेलेबल ही नहीं, वो किस टाइप का कह रहा है? इस टाइप का। अच्छा अच्छा, चलें हम यहाँ फ्रेम देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है। खास तौर पर रमजान के अंदर महंगाई का जिन वो काबू से बाहर हो जाता है, और उसके अलावा फ्रूट्स के रेट क्या हैं, आप कंपेरिजन कर सकते हैं आपके इलाके में और मीरपुर खास में, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये मीरपुर खास का मरकजी इलाका है, मार्केट चौक भी इसे कहा जाता है, ज़्यादातर ख़रीदारों के लिए पुरकशिश इस वजह से कि इस तरफ बल्दिया शॉपिंग सेंटर है और जहां मैं खड़ा हुआ हूं उसके दूसरी तरफ मदीना मस्जिद का गुंबद नज़र आ रहा होगा और ये खिसकपुरा है। तो ये मीरपुर खास की मरकजी मार्केट है, अफ्तारी का वक्त करीब है तो रश भी बढ़ता जा रहा है, और जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक बचत बाज़ार लगा है। ये बचत बाजार मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो मीरपुर खास की है उनकी तरफ से लगा हुआ है, और यहाँ पर जो प्राइस हैं, आप भी बचत बाजार में आते हैं? बचत बाजार में आप भी? ये बचत बाजार हमारे अंदर आ रहा है। अच्छा अच्छा, आप बचत बाजार में नहीं हैं, तो बचत बाजार में रेट जो है वो कुछ कम है मार्केट से। हाँ भाई, कितना फर्क है अपना मार्केट के रेट से? मार्केट से रेट से 20-30 रुपए का फर्क है। किस चीज़ पर? चावल पर, चीनी पर? चावलों पे, चीनी तो सर गवर्नमेंट ने दी नहीं हमारे। अच्छा, चावल का रेट और मार्केट में आपके रेट में 20-30 रुपए का फर्क है? हर एक पे, हर एक चीज पे, खजूर पे भी और कोल्ड ड्रिंक पर भी, हर चीज पे। ठीक है, गुड। तो नॉर्मल जो मार्केट के रेट है, मार्केट के जो रेट है और जो यहाँ के रेट है उनमें फर्क है। ये देखो, मैं पहले सोच रहा था कि शायद लोकल ब्रांड होंगे, लेकिन नोरस जो है ये तो फ्रेम वाला एक ब्रांड है, तो इसमें भी आपको बचत मिल रही है यहाँ पर। ठीक है ठीक, और ये वैसे क्या 380 का? 430 रुपये। ठीक ठीक, नहीं नहीं ज़बरदस्त, इसमें बाकी बचत है। 150 रुपये किलो फैनी, 480। हमने कुछ दिन पहले एक फैनी की वीडियो बनाई थी तो एक शख्स ने कहा था आपने रेट नहीं बताया, तो बचत बाजार में 480 है, वैसे 550 रुपए पर केजी रेट है फैनी का। अच्छा, स्ट्रॉबेरी का रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन तरबूज का बड़ा गहरा ताल्लुक है रमजान से, और इस बार चूंकि मौसम नहीं था तो
तो तरबूज कुछ बाहर से मंगवाया गया, बलूचिस्तान से ले कह रहे हैं लोग, ईरान से कह रहे हैं कुछ लोग, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का तरबूज भी कह रहे थे। सर ये कहाँ का तरबूज है? पंजाब का। सर पंजाब में तो सर्दी हमसे बात तक पड़ती रहती है, तो वहाँ का कैसे हो सकता है? अच्छा तो क्या किलो चल रहा है? 120 रुपए ना करें, चेक करवा के या विदाउट चेक किए? बंद बंद 120 और खुला, अगर कोई कहे पे मुझे खुला दो, काट के बेच ही नहीं रहे। नहीं ऐसा होता है ना कि बंद आप 120 का दें और चेक करवा के 200 रुपए किलो दें, ऐसा नहीं कर रहे? ठीक है, बंद का मतलब ये कि आप चेक नहीं करके दे रहे 120 रुपए किलो, क्योंकि कुछ दिन मैं देख रहा था पहले 200 रुपए किलो तक बिक रहा था ये तरबूज, तो एक 5 किलो का जो तरबूज का दाना है वो तकरीबन 1000 रुपए में, तो बड़ा वो दिल दुखता है सच में ऐसी बातें करते हुए कि एक शख्स जो खुद 700-800 रुपए कमाता है तो वो एक बंद दाना 5 किलो वाला कैसे खरीदेगा? छोटे से छोटा दाना भी 2 किलो का कम अज कम होगा तो 400 रुपए का बहुत मुश्किल था खरीदना। बहरहाल ठीक है सर। और स्ट्रॉबेरी क्या है? 80 रुपए पाव स्ट्रॉबेरी है। मैं ये मार्केट चौक में, ये बहुत पुरानी एक खजूर की दुकान है और यहाँ की खजूर जो है वो खासी फेमस है। भाई रेट क्या है अपने पास इस खजूर का? रेट बताओ। 150-300। और ये वाली? 200। सबसे महंगी वाली कौन सी अपने पास? यही वाली। अच्छा ये वाली, इसका क्या? 300। 1200 रुपए किलो। ये बड़े वाली, बड़े साइज की खजूर है ये वाली, थोड़ा साइज बड़ा है। तो ये पाकिस्तान की कहाँ की है? ये पाकिस्तान की है। ठीक, पाकिस्तान में वैसे खजूर सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होती है? नहीं पता, ईरान पाकिस्तान में नहीं है ना मेरे भाई। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खजूर खैरपुर, रोड़ी, सखर इन इलाकों में ज्यादा पैदा होती है। ठीक है, तो मैं आपको मार्केट का थोड़ा सा, मैंने आपको विजिट कराया, मुकम्मल मार्केट का विजिट कराने का अभी मेरे पास वक्त कम है, अफ्तारी का वक्त होने वाला है, मुझे घर जाना। लेकिन एक बहुत खूबसूरत सिलसिला जिसका मैंने आगाज में आपको बताया, हमारे एक मेहरबान है, बल्कि दो मेहरबान, इनफैक्ट बल्कि तीन मेहरबान, जिन्होंने मुझे ज़कात की मद में कुछ पैसे भेजे। एक हमारे भाई, उन्होंने 75,000 रुपये भेजे मुझे कराची से, 25,000 रुपये ज़कात की मद में थे, वो 25,000 रुपये अदा कर दिए गए, आपने हमारी वीडियो में देख लिया होगा। एक हमारे और भाई हैं कराची से, जिन्होंने 50,000 रुपये ज़कात की मद में भेजे, वो 5 मुख्तलिफ फैमिलीज़ को हमने 10,000 करके वो 5 फैमिलीज़ को अदा अभी कर दिए हैं, उसकी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक और हमारे मेहरबान अरब ममालिक से हैं, वो अक्सर कहते हैं कि स्पेसिफिक मेरा नाम और इलाके का नाम, अरब से हैं बस। अब अरब में जितने ममालिक हैं उनमें से एक मुल्क है हमारा मशहूर मुल्क है, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे 1,00,000 रुपए भेजे। ये 50,000 रुपए हम लोग तकसीम कर रहे हैं, वो आज की वीडियो में आप देखेंगे, और जो 1,00,000 रुपए है वो नेक्स्ट फेज़ में। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि 15 रमज़ान से पहले ये तकसीम कर दिए जाएँ ताकि उसका बेनिफिट सही से लोग उठा पाएँ, रमज़ान में कुछ उन्हें सहूलत हो जाए और कुछ ईद के लिए उन्हें सहूलत। और राशन का जो सिलसिला है वो हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर 5 फैमिली तक हम पहुंच रहे हैं। कम कर ले आवाज़ मेरे भाई, इतनी तेज़ आवाज़ की जितने। अच्छा, राशन की तकसीम का सिलसिला हमारा रोज़ की बुनियाद पर जारी है। ये इकट्ठा भी हो सकता था लेकिन मुझे ये बहुत खूबसूरत तरीका लगा कि हम वाकई ही ज़रूरतमंद फैमिलीज तक ही पहुँचें। अगर इकट्ठा एक जगह हम कर सकते हैं तो रश, भगदड़ और उसमें कुछ ज्यादती हो सकती है, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 5 फैमिली तक, और वो आज भी जाएगा। तो मैं यहाँ से मार्केट से घर जा रहा हूँ, आप वो वीडियो देखिए, बहुत शुक्रिया। ऑल व्यूवर्स, ये जो भी हमारे सिलसिले आप देख रहे हैं इसमें अल्लाह ताला के नेक बंदे शामिल हैं। एक हमारे भाई हैं कराची से, आसिफ जमील भाई, अब मैंने उनसे पूछा नहीं उनका नाम लेना या नहीं लेना, उन्होंने कुछ मुझे पैसे भेजे हुए थे ज़कात की मद में 50,000, तो मैं आज से वो सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, इंतहाई ज़रूरतमंद गरीब सफ़ेद पोश फैमिली, तो मैंने उस 50,000 के 5 हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा 10,000 रुपये का एक बहन को दे रहा हूँ, बहन जो नहीं देगा, ठीक है? बस दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? हाँ तो चले, क्योंकि ये जो ज़कात के शरी तकाजे होते हैं इसमें मैं खुद इस बात का इदराक रखता हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, शरीयत का मसला है चूँकि, तो उसमें कोई ऐसा ही शख्स हमें ढूंढना है जो वाकई ही डिज़र्विंग हो। राशन तो हम किसी ऐसे शख्स को भी दे सकते हैं जो सेहतमंद हो और उसके बाद यह है कि वो वक्ती क्राइसिस में हो, लेकिन इसके लिए तो सही चीज़ यही है कि आप फिर जो इंतहा ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
ये पांच फैमिलीज तक जब पहुंच जाएंगे तो सब में वो दिखाता रहूंगा जिन जिन फैमिलीज तक हम जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जहाँ हम इससे पहले भी आते रहते हैं। हमारी एक बहन है, कैंसर की पेशेंट है, बेवा है, पेंशन है 12,000 रुपये, और उससे घर चलाना आपको पता है बहुत मुश्किल, और फिर कैंसर जैसा मूजी मर्ज। हम इन्हें हर मंथ मेहरबान लोगों की तरफ से फीड करते हैं, वो जाती हैं निमरा कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ इनकी कीमोथेरापी हो रही है। मैं समझता हूँ कि ज़कात जो कि एक शरई तकाजा है और वो अहल और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इस बार हमारे साथ जो हमारे मेहरबान जुड़े हैं उनमें दो हमारे ऐसे मेहरबान हैं जिनकी तरफ से मुझे ज़कात की मद में पैसे मौसूल हुए। पहले शख्स की तरफ से मैं तकसीम कर रहा हूँ, ये बहन 10,000 रुपये। ठीक है, अब मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, ये आप रख लें, ये रख लें आप, हाँ ठीक है ना, कि ये 50,000 जो मुझे मौसूल हुए इसे मैंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। ये हमारी दूसरी बहन है जिन तक मैं ये पैसे पहुँचा रहा हूँ। 30,000 हमारे पास और आसिफ जमील भाई हैं उनके मौजूद हैं, क्योंकि 50,000 रुपये आए थे उनकी तरफ से, तो तीन फैमिलियाँ और हैं, और वो भी ऐसी ही फैमिलीज़ होंगी जो कि इंतहाई ज़रूरतमंद और ज़कात की मुस्तहिक होंगी, उन तक पहुँचाए जाएंगे। तो बहन, अल्लाह ताला आपके साथ करम के मामलात करें, ठीक है बहन, तो इंशाल्लाह आपका इलाज होता रहेगा, आप परेशान नहीं होइएगी, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात को बढ़ा दूँ, ये बहन जो हमारी है, हमने ज़कात की मद में तो इन्हें पैसे दे दिए, इनकी एक बेटी भी है, ठीक है, और हमारी एक बहन है, मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रहा अभी, तो हमारी एक बहन है जर्मनी से, बुशरा बहन, तो उनकी तरफ से भी मुझे आई थी कि बच्चियों के लिए कपड़े। तो ये जो बेटी हैं, जो मैंने अभी उनके चेहरा तो नहीं दिखाऊंगा मैं, तो ये अम्मा की बेटी हैं, तो ये भी इन्होंने भी जिक्र किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ में बहन, नेक्स्ट फेज़ में आपके लिए कपड़ों का इंतज़ाम होगा, ठीक है। हमारी एक बहन है जर्मनी से, तो उन्होंने मुझे कहा हुआ है अम्मा, तो आपके बच्चों को कपड़े भी इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वही जो ज़कात की मद में हमारे पास हमारे एक भाई के पैसे हैं, वो मैंने 5 फैमिलियों तक जाना है, तो उसमें से ये तीसरी फैमिली है, 10,000 इस बहन के लिए भी। बहन मेरी, आप तो इद्दत में हैं, आपकी बच्चियों के लिए कपड़े, ये 10,000 मैं आपको दे रहा हूँ, आपके यकीनन अखराजात हैं और आप डिज़र्व करती हैं, मुस्तहक हैं, आपकी बच्चियों के लिए कपड़े। हमारी एक बहन है, उन्होंने मुझे कहा, मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी तो उनके दिल में भी ख्वाहिश थी कि इन 5 बेटियों के लिए हम कपड़ों के या तो कपड़े या फिर कपड़ों की मद में पैसे आप खुद कपड़े बनाइए, ठीक है, ईद पर अच्छे वाले कपड़े पहनने आपने हैं, मैं ईद वाले दिन भी रहूँगा। तो फिलहाल मेरे पास 10,000 रुपये का एक अमाउंट इस बहन के लिए भी है, बेटा आप आके आ जाए, ये लीजिएगा, चलिए ठीक है। तो जमील भाई, ये तीसरी फैमिली थी आपकी तरफ से, इंशाल्लाह 5 फैमिलियों तक जाएंगे। मैं कैसे घर में मौजूद हूँ इसके बारे में शरई तकाजे जो हैं वो पूरे करते हुए, तहकीक और तफ्तीश करते हुए, कि वो तमाम मेहरबान जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है, एक एक पैसा उनका वाकई ऐसे लोगों तक पहुँचे जो कि इंतहाई सफ़ेद पोश और ज़रूरतमंद। घर की खातून जो है वो सिलाई करती है, तो ये उस फहरिस्त में शामिल हैं कि खुद साहिब निसाब नहीं है, गरीब लोग हैं। तो आसिफ भाई, ये चौथी फैमिली है और मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये वो फैमिली है, खुशी कहते हुए बड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता सच में, ये खुशी नहीं है, दुख की बात है कि ऐसे ऐसे लोग अपनी सफ़ेद पोशी में ज़िंदगियां गुजार रहे हैं कि जिन तक जिनकी ये हालत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन है समहाउ। तो ये मेरे भाई, ये लीजिएगा, ये 10,000 रुपये हैं, ठीक है मेरे भाई, ये ज़कात की मद में है, अल्लाह के एक नेक बंदे ने मुझ पर ज़िम्मेदारी दी थी, मैं ये आप तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, ये आप पर कोई एहसान नहीं है, ये एज ए मुस्लिम हम सब के फ़राइज़ में शामिल है कि अपने ज़रूरतमंद भाइयों तक ये ज़कात की रकम अगर बाकायदगी से पहुंचती रहे तो कभी कोई परेशानी ना हो। तो ये चौथा घर है हमारा, अब मैं 5वें घर चलूँगा। हासिफ भाई, आपकी तरफ से दिया गया अमाउंट उसमें से ये आखिरी घर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है कि हम लोग वाकई ही ज़रूरतमंद जो मुस्तहकीन हैं उन तक पहुँच रहे हैं। अब इस घर की क्या स्टोरी सुनाऊं, मैं पहले भी यहाँ कुछ मदद इन्हें फ्राहम कर चुका हूँ, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि ये फैमिली है कि इसे और मज़ीद मदद की ज़रूरत है, जिस तरह के हालात में ये सर्वाइव कर रही है फैमिली, तो इंशाल्लाह हम इनके साथ वैसे भी जुड़े रहेंगे गाहे बगाहे,
तो बेटा इधर आओ, इधर आओ, ये हैं 10,000 रुपीज़, ठीक है ना। ये हमारे एक भाई हैं, ज़कात की मद में उन्होंने भेजे थे हमें, तो ये आखिरी फैमिली आपकी है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में इससे कुछ आसानी आएगी, बहुत शुक्रिया। ओ टीवी वाला, हाँ कैसे हो, ठीक हो, ठीक हो, तबीयत ठीक है, खांसी हो रही है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अम्मा कहाँ, अम्मा कहाँ? वालेकुम अस्सलाम। नहीं रोज़ा है, रोज़ा है, रोज़ा है, ठीक है। अच्छा अच्छा चलें, मैं ये आया हूँ आपके पास, ये महाना, ये 10,000 रुपये हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों के लिए, कपड़ों के लिए मैं फिर आऊँगा आपके पास, कपड़ों के, हाँ वो कपड़ों के लिए आऊँगा मैं, तो वो भी फिर पैसे दे के जाएंगे, ठीक है। इनको ये आप 10,000 रुपये रखें, ठीक है। ये तो महाना है आपके, देख पैसे दे दिए अम्मा को, अभी कपड़े भी आएंगे, अभी कपड़े भी आएंगे, ठीक है, ठीक है ना। चल हाँ चले, हाँ मामा मामा चले, अभी अफ्तारी का टाइम, मुझे घर पहुँचना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अरे तू भी हाथ मिला ना भाई, तू क्यों भी, अरे हाथ नहीं मिला रहा, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, ठीक हो, चलो चलो ठीक है। शाम के साए ढल चुके हैं, अफ्तारी का वक्त करीब है और फ्रूट के ठेलों पर जो है वो रश है। ये मेरे घर के पास का इलाका है, जरवारी शाख मीरपुर खास। सायम भी कहीं रुका है यहाँ खरबूजा खरीदने के लिए। क्या अमरूद का रेट है अंकल? 100 रुपये किलो, सस्ता है। अच्छा तो हम जा रहे थे घर शहर से, मतलब हाँ शहर के मुजाफात में रहते हैं ना हम लोग, तो हर तरफ सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बिक्री जो होती है, चीज़ें जो बिकती हैं वो फ्रूट्स की होती हैं, और ख़ास तौर पर तरबूज का जो ठेला मुझे नज़र आ रहा है ना, वहाँ पर मुझे अच्छा खासा रश नज़र आ रहा है। सायम ये सामने खड़ा हुआ है और ये खरबूजा लेने की कोशिश कर रहा है, इसको खरबूजा मिल जाए। हाँ भाई कितने का खरबूजा है? 150 रुपये किलो, ना कर यार, ले लो आधा किलो, एक किलो ले लो भाई, 1 किलो। तो मैं आपको तरबूज दिखाता हूँ, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रश जो है वो तरबूज के ठेले पर है, बल्कि रोडों पर भी बहुत रश हो जाता है। ये है जनाब सबसे बड़े तरबूज, आज का क्या रेट चल रहा है? कच्चा है ना कर यार, काट के देखा है तो इनका तो नुकसान हो गया है। पहले जो, इससे पहले जो लॉट आई थी इनके पास 2 दिन पहले, उसमें ये पक्का निकला था इनका अच्छा खासा, लेकिन अच्छा पहली वाली जो लॉट थी उसमें पक्का था, है ना, ये कच्चा निकला है। ये देखें ये 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 कट रहा है, ये किस तरह का, एक मिनट भाई साहब, ये कैसा निकला, कैसा निकला मेरे दोस्त, पक्का निकला है? निकालना, निकालना, ये निकालना, ये कैसा निकला है? अरे भाई ये तो माशाल्लाह पक्का निकला है, किसका नसीब है ये? लगारी साहब का नसीब है। लगारी साहब दिखाएं, काले चश्मे वाले, ठीक है। अच्छा तो ये तरबूज वाले भाई के पास घिरा हुआ है, क्योंकि सबसे अच्छा तरबूज इसी के पास है यहाँ पर। बहरहाल हमने तो खरबूजा लेना था और वो हमने ले लिया है, मेरा ख्याल है सायम ने खरीद लिया, वो ले के हम चलते हैं घर। हाँ भाई सायम ले लिया है? नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज की अफ्तारी के बाद राशन की तकसीम शुरू हो रही है, और आज मेरे साथ मेरे उस्ताद हैं पुराने टेलर, और ये मुझे पिक एंड ड्रॉप देंगे ये, ठीक है। फौजी साहब रखें यार ये मोटरसाइकिल पर, लाएँ इधर, बिस्मिल्लाह करें, चलें जी, बहुत शुक्रिया, इसको पहुंचा के आते हैं। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है, मैं देर से पहुंचा हूं, मुझे पहले दिन पहुंच जाना चाहिए था यहाँ। खातून एक हमारी बहन और शोहर ड्रग एडिक्ट, बस कभी घर पर है कभी नहीं है, और ये कैसे चलता है घर का निज़ाम फिर भी खाने पीने का? बस कुछ आसिफ भाई ने आपको बोला था, हाँ कुछ वो चला रहे हैं कुछ। अच्छा। ऐसे ही पाड़े से मदद हो जाती है, मोहल्ले वाले कुछ करते हैं। बहरहाल ये राशन है आपके लिए, मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर आपके पास आए कुछ बच्चों के लिए, कितने 2 बच्चे हैं आप जी, कुछ उनके कपड़े वपड़े के लिए भी कुछ करते हैं, ठीक है बहन। ये राशन अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से आप तक, आपको रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह करम करे, ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। हम लोग वो मास्टर ज़मीर साहब के साथ गए थे मोटरसाइकिल पे, दूसरे भी फारूक भाई आ गए, तो 2 पैकेट जो हैं वो फारूक भाई के साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। चलें भाई निकाल दें, ले आएँ बाहर, ले आएँ
ले आए। ऑल व्यूअर्स, मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जिसमें खातून खाना घर में कुछ चीज़ें ख़वातीन की सिलाई कढ़ाई से मुतल्लिक घर में बेचकर अपने घर के गुजर बसर में हिस्सा डाल रही थी। फ़िलहाल तो हम यहाँ राशन लेकर पहुँचे हैं। मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला था, लेकिन फंड्स हमारे पास उस वक्त इतने दस्तयाब नहीं थे और कहना मेरी आदत नहीं होती, तो इस वजह से मैंने अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ा हुआ था। तो आज मैं इनके घर पहुँचा हूँ, राशन इन्हें मिल गया है। बहन, ये मैं नहीं दे रहा, मैं सिर्फ पहुँचाने वाला हूँ, अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं उनकी तरफ से, तो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। अगर खुदा को मंजूर हुआ तो कुछ पैसे आपको इसकी मद में देने की कोशिश करेंगे कि आप घर में ये सामान वगैरह जो बेचती हैं उसको कंटिन्यू कर सकें। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। मैं एक और घर में पहुंचा हूं और आपको पता है कि हम लोगों ने रात का वक्त चूज़ किया हुआ है। नॉर्मली कुछ एक आध घर को छोड़कर हम रात में ही आते हैं, बिस्तर लग चुके हैं, और जिस मकसद के लिए मैं आया हूं आपको पता है। राशन का पैकेट यहां, सच्ची बात है कि मैं आप बताऊं, आधा घंटा मैंने पहले पहुंचा दिया था, लेकिन उसमें से आटा निकल चुका, मतलब इन्हें भी ज़रूरत थी इस वक्त, क्योंकि उन्होंने आटा पकाना होगा, रोटी वगैरह। तो बस अफसोस है कि बहन मेरी कि हम लोग नहीं पहुंच पाते सब ज़रूरतमंदों के पास, लेकिन ये कि अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। बस ये मेहरबान नेक लोगों की तरफ से आपके लिए तोहफा है रमज़ान का। ठीक है बहन, और आप कह रही थी आपकी बच्ची की शादी है। जी, कब शादी है? शादी 20 तारीख ईद के बाद। हाँ जी, चले अल्लाह करम करेगा, अगर कुछ हमारे ज़रिए से हो पाया तो इंशाल्लाह आप तक मदद पहुँच जाएगी। बस अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा और अल्लाह के नेक बंदों को देख लिया, बस अल्लाह करम करेगा, एक जना कमाने वाला, छोटे छोटे सारे बच्चे खाने वाले, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जनाब, अपने पैकेट तैयार हैं? 5। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऑल व्यूअर्स एक ऐसी फैमिली की तरफ जा रहा हूँ अभी, एक राशन का पैकेट लेकर। मैं कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगा वहाँ, एक इंतहाई सफ़ेद पोश बापर्दा फैमिली, दीनदार फैमिली, तो मेरी जो वो ज़मीर है वो इजाज़त नहीं देगा कि मैं वहाँ आपको दिखाऊँ। लेकिन यहाँ से एक पैकेट उठाएंगे, सरफराज भाई मेरे साथ हैं, ये मेरी रहनुमाई करेंगे। तो मेहरबान व्यूवर्स, वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है, वीडियो का यहाँ इख्तिताम करूँगा मैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।